कल की क्लास में हमने इतना किया था, अलग से कंपोनेंट बनाना, फिर उनको रेंडर कराना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कल की क्लास में, राइट? कैसे हम लोग नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं, फिर कैसे एनपीएम का यूज़ करते हैं। एनपीएम क्या होता है? हमारा नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर से हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल भी हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो लाइक डिपेंडेंसीज में एक होती है सिंपल डिपेंडेंसी, एक होती है हमारी डेव डिपेंडेंसी। दो तरीके की डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो हमारी जो डेव डिपेंडेंसी थी वो कैसे आती है, लाइक उसमें लिखते हैं हाइफन हाइफन सेव हाइफन डेव। और जो अगर हमें मान लो ग्लोबल में सेव करना होता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, हाइफन जी लिखते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ऑल्सो हमने देखा था कि कैसे हम लोग प्रॉप्स को सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग प्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, जैसे क्लास का नेम हुआ, तो कैसे हम लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोड एक बार वापस से दिखाता हूँ कि हमारी प्रॉप्स है। यहाँ पे देखो नेम है जिसके अंदर लवेश पास किया गया, यहाँ पे नेम है जिसके अंदर अंकुश पास किया हुआ है, यहाँ पे नेम है। और इसको हमने कंपोनेंट बनाया था, माय कंपोनेंट के अंदर हमने इसको इधर रेंडर करा दिया था, इधर पास करके क्या प्रॉप्स पास किया हमने, हमने उसका डॉट नेम वाला जो था उसको एक्सेस कर लिया, उस एट्रीब्यूट को। ठीक, इस तरीके से हमारी रेंडर हो गई थी। नेक्स्ट आगे का काम करते हैं, आज आगे क्या करना है। तो लाइक हम लोग प्रॉप्स में और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे अभी नेम हो गया, तो नेम के अलावा क्या लिख सकते हैं वो भी बताता हूँ मैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि क्लास, या फिर यहाँ पे कुछ नेम फॉर क्लास लिख सकते हैं, बस देखते जाओ। अभी ये क्या है, इसको मानते हैं कि हमारा पहला कंटेनर है, तो डिव वन मान लेते हैं इसको। अभी इसको पास कराया हमने, ठीक है। अभी माई कंपोनेंट में हम जैसे अगर वहाँ पे जाके प्रॉप्स का जो नेम है हम वो भी क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो रुको, जैसे मैं करके दिखाता हूँ एक, तब समझ में आएगा बेटर। तो लाइक यहाँ पे लिख दिया एक और प्रॉप्स डॉट, क्या लिखा था हमने, नेम फॉर क्लास। ये लिखा था, इतना लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बीच में ग्रेटर देन का साइन, लेकिन ये सारी चीज़ें लगेंगी कहाँ पे, ये सारी चीज़ें लगेंगी जो डिव है उसके अंदर। हम यहाँ पे इस तरीके से दे देंगे कि भाई ये जो डिव है हमारा, लाइक अभी तक क्या हो रहा था, अगर हम लोग सिंपल करते थे, सिंपल एक क्लास बन के आ जाती है। रुको, एक बार सिंपल रन करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो कौन सा है, ये रहा। इसका सोर्स चेक करते हैं, सोर्स वाटर एलिमेंट्स। ये देखो अभी सिंपल यहाँ पर देखो क्या लिख के आ रहा है, क्लास लिखा हुआ है ना कस्टम। हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके देखते हैं, लाइक इसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। इसको क्लास दे दिया, फॉर एग्जांपल क्लास नेम। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, नेम फॉर क्लास। अब ये जो हमारा प्रॉप्स था इसको रिफ्रेश करते हैं, नेम फॉर क्लास इज नॉट डिफाइंड। इसको पास भी करना पड़ेगा हमें, तो कर देते हैं पास नेम फॉर क्लास इज नॉट डिफाइंड।
एरर शो कर रहा है। कि यहाँ पर आई गेस ब्रैकेट मिसिंग हो गया है। काम करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे दोनों लाइक एज इट इज पास ही कर देते हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ से प्रॉप्स हटाना पड़ेगा। ठीक है, रन हो गया, कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ रेंडर नहीं हुआ इसके अंदर। रिटर्न तो हमने करा दिया है, हमें इसको लेकिन वो करना पड़ेगा, डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा आई गेस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज जस्ट, वो जो हमारे जो एलिमेंट्स आ रहे थे ना, ये वाले, इनको क्लास देना। लाइक ये जो एलिमेंट्स हैं अभी, देखो, हाँ, जैसे अभी इन पे क्लास नहीं थी, अब हम इसको एक पर्टिकुलर क्लास दे रहे हैं। तो ये देखो, मैंने इसको जस्ट डिस्ट्रक्चर कर दिया, अब इसको क्लास मिल गई, ये वाली क्लास। सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, नेम फॉर, अब डी स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट वो ES6 जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, जिस दिन जावास्क्रिप्ट कवर कराएंगे उस दिन बता देते हैं। यहाँ पे डिफ टू मान लेते हैं, और यहाँ पे नेम फॉर क्लास ले लेते हैं डिफ 3। डिफ 3 ले लिया। देखो, सब पे यहाँ पे क्लास जनरेट होके आ गई है। अगर आपको सिंपल जस्ट इसको रेंडर कराना था, तो सिंपल हमने क्या लिखा था, हमने ये लिख दिया था माई कंपोनेंट, और हमने नेम पास करा दिया था, फिर हम उस नेम को डायरेक्टली डिव के अंदर ऐसे प्रिंट करा दे रहे थे। लेकिन अगर हमें क्लास भी चाहिए तो हम वो भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से क्लास को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्लास की वैल्यूज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे उसको डीस्ट्रक्चर करके यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या ना, हम लोग इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी, ये भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे रुको, दिखाता हूँ मैं। लाइक अभी तक हमने क्या देखा, जस्ट यहाँ पे और भी चीज़ें दे सकते हैं, लाइक नेम दे दिया, नेम के आगे भी कुछ दे सकते हैं। नेम, फ्यूचर फाइंडर्स, तो ये सबके आगे, मतलब ये चीज़ जो है ये अलग से रेंडर होगी, बाकी सबके लिए ये क्या होगा, सेम रहेगा। और इन सब पे क्या लग गई है, क्लास लग गई है अब। ठीक है, इन सब पे क्या लग गई है, क्लास लग गई है। मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं सबका रोल नंबर वगैरह लिखवाना चाहता हूँ, कि मतलब सबका कुछ रोल नंबर है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रोल नंबर। उसके बाद मैं कहता हूँ लाइक ब्रैकेट के अंदर इनका कुछ रोल नंबर हो, तो यहाँ पे रोल नंबर लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दिया। ऑब्वियसली ये जो चीज़ रहेगी डबल कोट्स में रहेगी, नहीं भी लिखते हैं तो भी जाने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, इसका फंक्शन तो नहीं है ये। इसको बिना ब्रैकेट के लिख दो। अब यहाँ पे हम रोल नंबर भी पास कर देते हैं, इसको पास भी कराना है हमें, लाइक
यहाँ पे सबको अलग से वो जो हमने दिया था आर्गुमेंट कहाँ गया, ये रहा, ये देखो रोल नंबर वाला, इसको हमें अलग से सब में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ये क्या हम कर रहे हैं, हम प्रॉप्स को पास कर रहे हैं। फर्स्ट वाले को रोल नंबर दे देते हैं 1, सेकंड वाले को 2 दे देते हैं, थर्ड वाले को रोल नंबर दे देते हैं 3। ये देखो सबको अलग से अब रोल नंबर मिल गया, 1, 2, 3, मकुंद, लवेश, अंकुश, ठीक है। अब ये क्या हो रहे हैं, सारे के सारे अलग अलग रेंडर हो रहे हैं। तो हम एक जगह साइड में लिखते जा रहे हैं, काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, रिएक्ट था ना, न्यू फोल्डर नोट्स, टेक्स्ट फाइल, चैप्टर 1। लर्निंग रिएक्ट, हमने क्या क्या सीख लिया, जस्ट JSX क्या होता है, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, प्रॉप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। फिर और क्या देखा था हमने, लाइक NPM के बारे में थोड़ा सा जाना था, बेबल कोर क्या होता है, और कुछ था, और कोई टॉपिक था जो अभी तक किया हुआ है। चलो कंपोनेंट ही थोड़ा सा और कवर करते हैं, एक और टॉपिक करते हैं, जैसे यहाँ पे डिव दिया हुआ है। अभी अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इनको खाली भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि ये है, इसको काट देते हैं, ये नहीं था, ये था। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो खाली कंपोनेंट पास करना, कई जगह आपने कोड में देखा होगा ये। नेम फॉर क्लास को करा लिया पास, ये हमारे डिव है, उसके अंदर फिर हमने नेम को करा लिया पास, और उसके बाद हमने बोला कि लेकिन इनका रोल नंबर भी पास कर लो, ठीक है, बढ़िया। फिर एक काम करो, सबको हॉरिजॉन्टल लाइन दे देना, अब ये देखो सब में क्या हो रहा है, अलग से हॉरिजॉन्टल लाइन भी पास हो रही है। अभी पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, हमने बस एक कंपोनेंट पास किया था, अभी यहाँ पे हम लोग ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स भी पास कर सकते हैं, कि लाइक यहाँ पे क्या 4 कंपोनेंट है, ये देखो ये हो गया, ये हो गया। अब इनको सब में एक एक लार्ज वाला जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर हमने इसको डाल दिया। देखो यहाँ पे सारे के सारे जो कंपोनेंट है अलग से वो रेंडर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर है ना, लाइक व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स जो हैं उनको करा सकते हैं रेंडर, मल्टीपल कंपोनेंट्स रेंडर करा सकते हैं। अभी लाइक इन कंपोनेंट की स्टाइलिंग कैसे करनी है ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा था कंपोनेंट एक ही पेज में कैसे बनाते हैं, राइट। अभी तुम यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा मेन ऐप कंपोनेंट है ऊपर, ये देखो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट बना हुआ है, लेकिन अगर हमें किसी और लाइक
सिंपल तरीके से, जैसे ये हमारा डिफरेंट फाइल में है कंपोनेंट, हम इसके अंदर भी कंपोनेंट बना सकते थे, लेकिन उस केस में फिर हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, राइट। अब इसको स्टाइलिंग वगैरह अगर करनी होगी तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। अभी मल्टीपल कंपोनेंट भी हम लोग कर सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं ना, इस वाले ऐप को हम इसमें हेडर वगैरह बना के देखते हैं। तो एक कंपोनेंट बनाते हैं हम हेडर नाम से, देखिए आप लिख देते हैं हेडर डॉट js। अब यहाँ पे हेडर डॉट js बना दिया। अब इसमें लाइक एक फंक्शन बना देते हैं हेडर के लिए। फंक्शन कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऐसे फंक्शन लिख के बना लेते हैं। इसमें मान लो रिटर्न करा दिया मैंने कि डेव कर दिया रिटर्न, इसके अंदर लिख दिया हेलो। नेक्स्ट हम एक और फंक्शन बनाते हैं हेडर टू, यहाँ पे लिख देते हैं हेडर टू, यहाँ पर रिटर्न करा दिया फॉर एग्जाम्पल डेव। यहाँ पे भी कुछ भी लिख दो, हाय वट एवर कुछ भी लिख दो बस। फिर एक और फंक्शन बना के दिखाते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है। यार ये क्या हो रहा है, ठीक है फंक्शन मेन फंक्शन हो गया। इसमें मान लो रिटर्न करा देते हैं डेव, ये हमारा मेन है। अब एक्सपोर्ट कैसे कराते हैं, मॉड्यूल अगर कोई बनाते हैं तो हम उन्हें एक्सपोर्ट कैसे करते हैं मल्टीपल मॉड्यूल्स को, वो देख लो। एग्जांपल हेडर है और ये क्या था हमारा हेडर टू था, तो हमने इन दोनों को एक साथ अगर मान लो एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मेन वाले को एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट में। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अभी मान लो कि तुम्हें उस कंपोनेंट की मान लो कहीं ज़रूरत है तुम्हारे ऐप के अंदर, ठीक है ये तुम्हारा ऐप डॉट जेएस है, तो अगर तुम्हें इसको इम्पोर्ट करना होगा तुम्हारे ऐप डॉट जेएस के अंदर, ये सब उड़ा देते हैं जो चीज़ें बनाई हुई इनको उड़ा देते हैं। शुरुआत से बना के दिखाता हूँ मैं, हम क्या सीख रहे हैं अभी, डीस्ट्रक्चर करके कैसे हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं हमारे जो भी कंपोनेंट है, हम उसको कैसे हैं? ये कंपोनेंट उड़ा देते हैं, हम जो नया पेज बनाए हेडर डॉट जेएस उसको देखते हैं, ठीक है। अभी रिटर्न में कुछ लिखना नहीं है, लिख देते हैं डेव एक बना दिया, द हेलो। फिर यहाँ पे कॉल करते हैं हेडर, ये देखो अभी यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डीस्ट्रक्चर होकर इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा हेडर हो गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हेडर टू, यहाँ पे क्लिक किए देखो यहाँ पर आ गया कॉमा दे करके, डीस्ट्रक्चर होके आ गया। अब ये देखो हेलो हेलो हाय। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हम सिर्फ मेन करते हैं तो यहाँ पे किया। अब जो सिंपल हमारा जो सिंपल एक्सपोर्ट होता है उसको कैसे करते हैं, सिंपल यहाँ पे दे दो नाम, जो तुम्हारा डीस्ट्रक्चर जो डिफ़ॉल्ट वाला होता है उसको यहाँ पे नाम दे दिया, और जो डीस्ट्रक्चर करने वाला होता है उसको इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम देते हैं, ठीक है। ओके ये समझ में आया कैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन बनाया, फिर हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग करके, और कैसे डिफ़ॉल्ट वाले को कैसे करते हैं एक्सपोर्ट इस तरीके से। एक मान लो कि अच्छा क्या होगा अगर हम यहाँ पे इम्पोर्ट लिखते हैं और कुछ भी, जैसे कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, फ्रॉम कहाँ से ला रहे थे हम, डॉट कंपोनेंट स्लैश हेडर, कोई बताएगा क्या होगा इस केस में? यहाँ से मैंने हटा दिया, रुक जाओ।
क्या होगा इससे? यहाँ पे बोल रहा मेन इज नॉट डिफाइंड, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। बेसिकली होता क्या ना, ये डिफ़ॉल्ट को इंपोर्ट कर लेता है, जैसे कि हमने क्या दिया था मेन फंक्शन, हमने जो डिफ़ॉल्ट मारा था वहाँ पे, तो हम उसको इस नाम से कॉल कर लेते हैं। ये देखो क्या कॉल हो क्या रहा है यहाँ पे, मेन मतलब यहाँ पे तुम कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे के अगर तुम इंपोर्ट कर दो, ठीक है, मान लो एक्स नाम के दे के इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है, एक्स नाम कैपिटल नाम से करते हैं, कैपिटल एक्स दे दिया, ठीक है। अभी स्मॉल दिया था तो काम नहीं कर रहा था, हमें क्या देना पड़ेगा, कैपिटल लेटर देना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे कैपिटल एक्स दे दिया, हमने इसको कॉल कर दिया इस तरीके से। तो ये क्या कॉल कर रहा है, मेन को, ये मेन प्रिंट कर रहा है, और मेन क्या था हमारा, मेन जो हेडर डॉट जेएस में हमारा मेन था वो ये वाला कंपोनेंट था, कौन से फंक्शन में था वो मेन, और मेन फंक्शन हमने कैसे एक्सपोर्ट किया था, डिफ़ॉल्ट में। तो डिफ़ॉल्ट में आपको यहाँ पे मेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, और यहाँ पे अगर उस नाम से अगर आप कंपोनेंट बनाते हो तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ही रेंडर कराएगा, ठीक है। क्लास में कौन कौन है, कितने लोग हैं भाई क्लास में? तीन ही लोग हैं। तीन लोग एक्टिव हो या फिर तीनों सो रहे हो? समझ में आ रहा है? कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है बताओ। कल की क्लास मिस हो गई थी। देखो हम लोग रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्ट जेएस, और कैसे हम लोग मॉड्यूल, कैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट में फंक्शंस को एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। कि यहाँ पे देखो फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया, फंक्शन का क्या नाम था, माई कंपोनेंट। कैसे हम लोग उसमें कंपोनेंट बनाते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट एक साथ कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, प्रॉप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रॉप्स पास कर रहा हूँ हेडर के आगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम, और इसको कुछ वैल्यू दे देता हूँ मैं, तो मुकुंद, ठीक है। फिर हम इसको पास कैसे कर रहे हैं, ये जो हमारा हेडर डॉट जेएस है, इसमें हेडर वन था ना, उसके अंदर पास कर रहे थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉप्स, और यहाँ पे हेलो आई एम, फिर कुछ इस तरीके से प्रॉप्स डॉट नेम को पास कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो क्या रहा है, हेलो आई एम मुकुंद, ठीक है। हमने जो प्रॉप पास किया था मुकुंद नाम से, वो यहाँ पे देखो रेंडर हो के आ रहा है। हाँ ये कल कराया था, रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी, चलो वो ठीक है। हमने जो ऐप जो एक्सपोर्ट किया था वो जो डिफ़ॉल्ट में किया था वो सिर्फ एक ही हो सकता है, जैसे इसको कॉपी किया यहाँ पे कर दिया, सॉरी यहाँ पे सेव करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है हमारा, सिर्फ एक ही हो सकता है, जैसे यहाँ पे मेन था तो यहाँ पे अब हेडर नहीं दे सकते हम, ठीक है, ये एरर शो करेगा। ये उड़ा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये ऐप डॉट जे एस जो है, इसमें मान लो ये जो तुम्हारा था ये था, ये क्या है, ये यहाँ से हम लोग इसको उठा रहे हैं जो एक्सपोर्ट किया था, ये समझ में आ गया।
यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब एक और चीज़ है, लाइक ये तो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, और ये जो है ये तुम्हारी एस्टिमेल नहीं होती है। ये भी मैंने कल बताया था कि ये क्या होती है, एस्टिमेल नहीं होती है, ये हमारी होती है JSX, ठीक है। ये सिंपल एस्टिमेल नहीं है, ये क्या है हमारा JSX है। अभी जो तुम जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कहीं पे भी उठा के लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो लाइक कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख दिया, सेव कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन ये कोड आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ये आप रिटर्न के अंदर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये एरर शो करेगा, समझ में आया। आप जावास्क्रिप्ट का कोड कहीं भी लिख सकते हो फाइल में, बस रिटर्न के अंदर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो अगर जावास्क्रिप्ट लिखना ही है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख सकते हो। ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मान लो कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट देना है, फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे फंक्शन में दे दिया, मतलब कि कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 3, तो अब यहाँ पे तुम्हें जावास्क्रिप्ट देनी है, ए लिख दिया, सेव कर दिया, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट होके आ रही है, ये जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है जो ए की वैल्यू थी। प्रॉप समझ में आ गया, जे एस्टिमेल और JSX में क्या डिफरेंस है पता चला। अब चलिए काम करते हैं, कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं। अभी एक शॉर्टकट है कंपोनेंट बनाने का, वो शॉर्टकट क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। इंस्टॉल क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है यहाँ से रिएक्ट वगैरह का, रिएक्ट लिख देना, ES6 ES7 वगैरह कर देना, ठीक है। इन दोनों लाइन को कट कर देते हैं, इसको भी कट करते हैं, सेव करते हैं। अभी क्या करना है ना, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बताता हूँ मैं क्या है। देखो यहाँ पे लिखना RFC, एंटर करना। अभी जो तुम खुद बैठ के टाइप कर रहे हो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख करके आ रहा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हेडर। एक ये शॉर्टकट हो गया, फिर एक है RAFC, ठीक है। ये क्या करेगा, एरो फंक्शन के थ्रू लेके आएगा। ये देखो एरो फंक्शन है ना हमारा, एरो फंक्शन आ गया, RFC सिंपल फंक्शन, RFC एरो फंक्शन, और जो एक्सपोर्ट करेगा वो लास्ट में करेगा। और सिंपल मान लो RAFC करते हो तो भी तुम्हारा सिंपल हो रहा है, RAF ए हटा दो, RFCE कर दो, तो हमारा एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है, लास्ट में हो रहा है। और RFC करोगे तो एक्सपोर्ट वहीं पे हो जाएगा, ये देखो एक्सपोर्ट यहीं पे हो गया। ई पे क्या हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, तो क्या हो रहा है, शुरुआत में ही हो जा रहा है। एरो फंक्शन चाहिए, एरो फंक्शन लेके आ गए, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है लिखा हुआ है, अब इसके अंदर लिख दो हेडर में, हेलो दिस इज़ हेडर, इसको सेव कर दिया। मान लो हेडर तुम्हें इंपोर्ट यहाँ पे करना है, ये टिप तुम्हारी बनी हुई है। अब मल्टी लाइन अगर तुम्हारा रिटर्न है, रिटर्न स्टेटमेंट है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ब्रैकेट यूज़ कर लिया, अब यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट आप नहीं भी लिखोगे ऑटोमेटिक इम्पोर्ट हो जाएगी, कैसे करके दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप हेडर को इंपोर्ट करते हो, किसको, हेडर को, हेडर नाम था। अब यहाँ पे क्लिक कर देना, ये देखो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे इस तरीके से रेंडर होके आके हेलो दिस इज़ हेडर, ठीक है।
ये हो गया हेलो दिस इज रेंड हेडर लिख के आ गया। अभी वो हमने एक्सपोर्ट क्या किया था डिफ़ॉल्ट में, तो आप इसका कुछ भी नाम लिख सकते हो, हेड लिख दो, लेकिन वो सेम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी पड़ेंगी हेड। प्रॉब्लम क्या ना, इसका लेटर जो है पहला उसको कैपिटल होना पड़ेगा तभी चलेगा ये। ठीक है, देन ये ठीक है, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट था। फंक्शनल कंपोनेंट का एग्जांपल भी दिखा दिया। आर सी लिखोगे तो क्या बनेगा, क्लास कंपोनेंट बनेगा। अब रिएक्ट जेएस में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा होता है फंक्शनल कंपोनेंट, एक हमारा होता है क्लास कंपोनेंट। तो इसको देख के घबराओ मत, ये हमारा क्लास कंपोनेंट है। एक्सटेंड्स क्या बताता है, इनहेरिटेंस बताता है। ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था इनहेरिटेंस क्या होता है, तो ये एक्सटेंड्स कीवर्ड लगता है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, अभी इसको जैसा था वैसे ही रखते हैं। तो इसको लिख देते हैं, कुछ शॉर्टकट्स हमने देखे हैं। शॉर्टकट्स क्या थे, आर एफ सी, यहाँ पे तो आर एफ सी, आर एफ सी, आर सी, सेव। एक्सपोर्ट करने का भी दो तरीका हमने देख लिया, हाउ टू एक्सपोर्ट, एक सिंपल एक डिफॉल्ट। अब इसकी सी एस एस मान लो तुम्हें लिखनी है, तब क्या करोगे? इसकी सी एस एस लिख के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस लिखा हुआ है, समझ लिखा, इसको उड़ा देते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे बोल देते हैं सबकी जो मार्जिन पैडिंग है वो क्या है, ज़ीरो। पैडिंग क्या है, ज़ीरो। अब नैब जो था हमारा, मान लो कि तुम नैबर बनाते हो, उसमें नैबर किस में बनाओगे, लाइक नैब डॉट सी एस एस हम बना देते हैं उसके अंदर, हेडर के अंदर। यहाँ पे डिव की जगह क्या दे देंगे, नैब। ये चेंज हो गया ऑटोमेटिक। अब इंपोर्ट क्या करेंगे, सी एस एस इम्पोर्ट करेंगे। सी एस एस कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट ऑल फ्रॉम, इम्पोर्ट डॉट डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस। नेबर का कलर चेंज करते हैं, बोलते हैं इसका बैकग्राउंड कर देना ग्रीन। ये देखो हमारी इसकी अब बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन आ गई, और इसका सिंपल कलर क्या है, वाइट है, तो इसकी सिंपल कलर को कर देते हैं वाइट, इसको करते हैं सेव। ठीक है, ये हमारा आ गया हेलो दिस इज हेडर। ये हमारा सिंपल कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। ये किस तरीके से हम लोग इसमें सी एस एस लगाते हैं अभी वो देख रहे हैं। तो ये जो बाहर जो ऐप डॉट सी एस एस बढ़ी है हमने उसको क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया, और इसके बाद हमने देख लिया कैसे हमने नैप पे ये सारी चीज़ें लगाई हैं। ठीक है, ये तो हमने बाहर से इंपोर्ट कर लिया। हम इधर अंदर भी बना सकते हैं, अंदर बना के इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे ही एक कंपोनेंट्स वाला जो फोल्डर है उसके अंदर ही हम इंपोर्ट डॉट हेडर डॉट सी एस एस वगैरह भी फ्लाइन को बना देंगे, तो वो बन जाएगी। लेकिन हमें अभी इस टाइम पे वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने दिखा दिया कि कैसे हम लोग उसको बाहर बाहर इस तरीके से करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर दिया, ये देखो तो
ऐप डॉट सी एस एस हमने बाहर वाले को कॉल कर दिया, हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम अंदर हेडर के अंदर जैसे कंपोनेंट है तो इधर भी सी एस एस फाइल बना सकते हैं, बस इम्पोर्ट जो करेंगे उसकी पाथ जब वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी चलो कुछ अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा नैप था ना, नैप हम बोलते हैं कि लाइक इसमें स्टाइल डाल देते हैं, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। जी बैकग्राउंड कलर देना है तुम्हें, एक बैकग्राउंड कलर इसको बोल देता हूँ कि लाइक बैकग्राउंड कलर देना ब्लू। ये देखो ये इनलाइन कर रहे हैं हम लोग स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग हम लोग अब इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एक बार ही, हम लोग ढेर सारी जैसे जो भी स्टाइलिंग जैसे पैडिंग देना हो गया लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हें देना है लाइक 30 पिक्सल की, तो इस तरीके से कर दिया। ये देखो एक मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन आया देखे, या फिर इसको रेड दे देते हैं। ये क्या है ना, ये हमारी जो है ये इनलाइन स्टाइलिंग है, बट ये क्या है ना अभी ये जो हमने इनलाइन स्टाइलिंग की अब ढेर सारी है ना, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता कि एक जगह हम बैठ के नया बार में ढेर सारी कोड लिखा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए हैं हम वो उसको ऐसे ना बना के लाइक हम लोग इसको सिंपल इस तरीके से लिख दिए। अब इसके अंदर कुछ नाम लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग नैप बार को स्टाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नैप बार लिखते हैं हमने, लेकिन अभी वो काम नहीं करेगा। अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसका कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट पहली बात तो लाइक हमारा यहीं पे लिखना पड़ेगा हमें रेंडर रिटर्न करने से पहले, ये हो गया। क्या लिखेंगे आप, लिखते हैं लाइक कॉन्स्ट बना देते हैं, नैप बार बनाया था हमने नाम, एक एरो फंक्शन बना देते हैं, ये इस तरीके से एरो फंक्शन बन गई। अब हम इसका क्या करेंगे, जो बॉर्डर वगैरह है या फिर हमें इधर एरो फंक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अगर हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमें इसमें कुछ पास तो करना नहीं है, सिंपल इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब वो जो चीज़ें थी जैसे कि बॉर्डर हो गया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, सेम चीज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ लिखने से बेटर है कि हम ऊपर कहीं पे लिखें, है ना, तो ये काम हम ऊपर लिख रहे हैं। सीएसएस लगानी आ गई, आया लगाने, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। अब चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक फॉर्म हो गया, यूज स्टेट हो गया, वो सारे टॉपिक्स करते हैं हम, ठीक है। फॉर्म्स हो गए, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सारे क्या होते हैं, हुक्स होते हैं। चलो जो फालतू चीज़ें लिखी हैं उसको उड़ाते हैं, और लाइक हम लोग क्या सीख लिए अभी, जस्ट स्टाइलिंग कैसे करते हैं ये देख लिया, हाउ टू यूज सी एस एस इन आर लाइक हेडर डॉट जे एस रिएक्ट फाइल रिएक्ट जे एस फाइल। अब एक काम करते हैं,
अब कुछ चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, ये कुछ चीज़ें इसको उड़ा देते हैं, फालतू चीज़ें। हेडर को इंपोर्ट किया था हमने, सिर्फ हेड से भी कर सकते हैं पता है, डिफ़ॉल्ट अगर है तो। यहाँ पे उड़ाते हैं अभी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर दे ही दो। अभी कंपोनेंट बनाते हैं इसमें, लाइक होम डॉट जे एस, आर एफ सी लिखता हूँ, ये हमारा आ गया। फिर फैटर फंक्शन बनाते हैं इसका, आर एफ सी लिखते हैं। इसको सेव करते हैं, लाइक ये जे एस है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से जैसे होम डॉट जे एस है, इसको रिनेम यहाँ पे कर देते हैं, इसको एक्स लगा देते हैं, ये हमारी जे एस एक्स फाइल बन जाएगी। जे एस एक्स तो बताया हुआ है क्या था। अब जो हम यहाँ पे होम कंपोनेंट बना दिए हैं, लाइक ये जो हमारा हेडर है, इसके आगे हम लिखते हैं होम। ये देखो होम भी इंपोर्ट हो गई है, लाइक हेडर का सी एस एस जो था वो भी बना ही देते हैं, बट हम लोग इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे थे। एक काम करते हैं, यहीं पे बना देते हैं फाइल को, हेडर डॉट सी एस एस, अलग अलग से हम फाइल ही बना रहे हैं सी एस एस की। इसके लिए हम लाइक यहाँ पे ही हम नैब लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका, ब्लू कर देते हैं, ब्लू ही हुआ पड़ा है वैसे तो, यहाँ से उड़ा देंगे। फिर यहाँ पे ये देखो हेडर डॉट जे एस, यहाँ पे जो कॉन्स्ट ये जो अलग से दी हुई थी इसको उड़ा देते हैं स्टाइल को। और यहाँ पे किसको कॉल करेंगे हम, डॉट स्लैश हम लिखेंगे हेडर, या फिर सिंपल हेडर डॉट सी एस एस, और इसको उड़ा देते हैं। तो अभी भी ये वर्क कर रहा है, अंदर का कलर कर देते हैं वाइट, पैडिंग कुछ दे देते हैं इसको, 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हेडर बन गया। नेक्स्ट हमारा होम जो था, इसके अंदर एक कुछ लिख देते हैं होम। तो ये देखो अब यहाँ पे ये वाली जो कंपोनेंट है वो भी हमारी रेंडर होके आ रही है। तो रिएक्ट में बेसिकली हम लोग ढेर सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनको रेंडर करते हैं। तो अब चलो एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। रादर देन डूइंग दैट वी कैन जस्ट, पहले तो अगर मल्टीपल लाइंस होते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट्स देने होते हैं रेंडर के बाद, उसके बाद हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे हम एक इनपुट टैग बनाते हैं जिसका टाइप टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे दे देते हैं प्लेस होल्डर, इसको कुछ भी लिख देते हैं लाइक समथिंग। तो ये देखो यहाँ पे हमारा प्लेस होल्डर बन गया, और एक इनपुट टैग बन गई। अब इसको हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कैसे देंगे, ये मैंने सिखाया था, लाइक अगर आपको इसको इनलाइन स्टाइलिंग देनी है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लोगे, और इसका क्या नाम दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें पैडिंग देनी है 20 पिक्सल, आपको मान लो बॉर्डर, यहाँ पे पी एक्स नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे मान लो बॉर्डर देनी है तो बॉर्डर दे सकते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं इसको। चलो कुछ इस तरीके का हमारा बन गया है,
ब्लैक ही कर दो, ब्लैक ठीक है। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? ओके तो हम यहाँ पे पैडिंग दे रहे हैं, 20 पिक्सल भी दे सकते हैं अलग से, कोई इशू नहीं है। बट अगर हम लोग PX लिख रहे हैं तो इसको मेक श्योर वो डबल कोट्स के अंदर हो, तब वो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, लाइक यहाँ पे इस तरीके से हो गया। मैं चाहता हूँ लाइक ऑन चेंज जावास्क्रिप्ट में एक होता है, हम ये यूज़ करते हैं। मैम बोलते हैं लाइक यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक इधर बना लेते हैं या फिर उसके ऊपर ही बना लेते हैं लेट, और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट वैल्यू। यहाँ पे इनपुट वैल्यू जो हमने बनाया था इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको करते हैं सेव। अभी इसको कंसोल डॉट लॉक करके देखते हैं, लाइक डॉट लॉक इनपुट वैल्यू को क्या। ठीक है, ये देखो अभी अनडिफाइंड आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, हमने इसको पहले प्रिंट कर दिया, अभी हमने इसको क्या कर दिया, पहले प्रिंट कर दिया, तो अभी क्या आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि हमने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे और इसके अंदर मान लो कुछ वैल्यू डाल देते हैं, तो ये देखो आ रहा है चेंजेस हो रही हैं इसमें। यहाँ पर अगर हम कुछ चेंजेस कट कर दिया, कुछ लिखते हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं चेंजेस, हर टाइपिंग पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये हमने कैसे किया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, ये हमारा ऑन चेंज पे क्या करेगा, ये वैल्यूज को उठाएगा, उनको उसमें स्टोर करते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्या किया हमने, हमने पहले तो इसको इनलाइन स्टाइलिंग दे दी, फिर हमने इस पर ऑन चेंज वगैरह लगाया, फिर कि फॉर एग्जांपल हमने अगर उसमें कुछ टाइप करना है तो वो ऐसे भर गया है। लेकिन हम चाहते हैं यार इस तरीके से ना आए, लाइक हम इतना बड़ा कोड इसमें नहीं चाहते, तो हम अलग से इसको फंक्शन भी बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये सब उड़ा देते हैं, इसको करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हैं कट, इसके अंदर लिख देते हैं चेंज वैल्यू, ऐसा करके कुछ बना देते हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम एक फंक्शन बना देंगे, अब वैल्यू की जगह हैंडलर ज़्यादा बेटर पड़ता। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना देते हैं कॉन्स्ट चेंज हैंडलर, एच मेक श्योर कैपिटल हो, ये लिखने का फॉर्मेट है, कैमल केस लिख रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद पेस्ट कर देंगे बाकी की चीज़ें, यहाँ पे इज इक्वल्स टू मेक श्योर हो, ठीक है, वर्किंग फाइन, कुछ भी लिखो, चेंजेस हो रहे हैं, बढ़िया। तो हमने उस फंक्शन को कहाँ पे लिखा, यहाँ पे रिटर्न के पहले ही बना दिया, और यहीं पे हमने उस फंक्शन को लिख दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, किसी कोई डाउट है तो बताओ। एक अब हमने इनपुट का टैग जो दिया है, अब इसके बाद हम बटन बनाते हैं, काम करते हैं, बटन माइनस, फिर एक बटन प्लस। ठीक है, अब ये देखो ये इधर आ रहा है, लेकिन इनकी भी स्टाइलिंग करनी होगी हमें,
इन बटन्स की स्टाइलिंग करनी है तो एक काम करते हैं, इनको कुछ दे देते हैं, नाम दे देते हैं, BTN स्टाइल नाम का कुछ बना देते हैं इनके लिए भी। इसको करते हैं कॉपी, और सेम वही चीज़ इनको भी दे देंगे पेस्ट। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, इधर ही बना देते हैं, कॉन्स्ट BTN स्टाइल, ठीक है। अब इसमें क्या देंगे, लाइक पैडिंग दे दो भैया, कितनी पैडिंग दोगे, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल इज इनफ, चलो 20 कर देते हैं। बॉर्डर डन रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ इसको दे देते हैं, कोलन देना पड़ेगा यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर क्या दे इसका, क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे, ब्लैक दे देते हैं, कलर भी दे ही देते हैं इसको वाइट, ठीक है। तो ये हमारा बटन बन गया, प्लस और माइनस वाला, उनको मार्जिन भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, लाइक 5 पिक्सल की मार्जिन दे देते हैं बस, ठीक है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और एक और चीज़ है, लाइक बॉर्डर बॉक्स वाले प्रॉपर्टी भी इसकी सेट करनी पड़ेगी। फिर इसको बाद में कर लेंगे, ये माइनस वाला बटन है, ये प्लस वाला बटन है। अब हम क्या करेंगे, एक हमें चेंजेस करनी है इसके अंदर, ना तो हो गया लाइक यहाँ बटन बन गई। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इनपुट वैल्यू को एक काम करते हैं ना, इसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेट कर देते हैं, जैसे 0, अभी यहाँ पे एक वैल्यू भी देनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे क्या दे देते हैं इनपुट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गई, बाय डिफ़ॉल्ट आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलने वाला है, विच इज़ यूज स्टेट, कि लाइक हम लोग कैसे बटन का यूज़ करके इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तैयार हो उसके लिए, अभी यहाँ तक हो गया हमारा, लाइक हमने स्टाइल वगैरह कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ लाइक जैसे ही मैं प्लस या फिर माइनस पे क्लिक करूँ, तो लाइक ऑन क्लिक इस पे कुछ इवेंट हो, ठीक है, क्या हो, इंक्रीमेंट हो, और माइनस में क्या हो, डिक्रीमेंट हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, ई पे बना देते हैं, AFC एरो फंक्शन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, CFE नहीं है, CAF, अरे कुछ तो होगा इसका, चलो छोड़ो। कॉन्स्ट एक इंक्रीमेंट के लिए बनाए थे, दोनों बन गए हमारे।
बोल रहा है। अच्छा चलो, मैं माइनस पे क्लिक करूँगा तो माइनस होनी चाहिए थी, और प्लस पे क्लिक करूँगा तो प्लस होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इनकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है ना, इनकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज नहीं हो पा रही है। तो ये कैसे करेंगे हम? उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यूज़ स्टेट। अब यूज़ स्टेट क्या होता है? ये रिएक्ट में हुक्स होता है, हुक एक होता है, तो ये उसका पहला हुक है। क्या है? यूज़ स्टेट। यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं ना, तो वो भी टाइप नहीं हो पा रहा है। तो अगर हमने ऑन चेंज तो दिया नहीं है, ऑन चेंज दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमारी जो रहेगी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए अब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज भी नहीं हो पा रही है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे, लिखेंगे इम्पोर्ट, और हम डिस्ट्रक्चर करेंगे यूज़ स्टेट को, लिखेंगे यूज़ स्टेट फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट से, या फिर ये चीज़ हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, कॉमा दे के यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ पे लिख दिया यूज स्टेट, उसको कर दिया सेव। अब इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इधर कर लेते हैं, बोलते हैं कांस्टेंट। अब देखो हमें क्या होता है ना, करंट वैल्यू, जो करंट वैल्यू क्या थी हमारी, इनपुट वैल्यू थी राइट। अब हमें इसे सेट करना होता है, एक क्या होता है करंट स्टेट, एक क्या करना होता है सेट इनपुट वैल्यू, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो गया यूज स्टेट। अब हमें इसे करना है कॉल, अब हम अगर हमें इसे चेंज करना हो इसकी वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, एक हम लोग इसके अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं, बट इसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो कर दी हमने। अभी इस टाइम पे इनपुट वैल्यू की क्या वैल्यू है, ज़ीरो है। यहाँ पे जैसे कंसोल, इसको हटाते हैं, अब इसको हटा दिया हमने, हमने क्या बोला कि कंसोल डॉट लॉग इनपुट वैल्यू कर दिया हमने यहाँ पे, उसको कर दिया सेव। देखो हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था, बट हमने यहाँ पे इनपुट वैल्यू अगर दे दिया, ठीक है, सेट करते हैं, सिर्फ इसको उड़ाते हैं, तो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन ऑन चेंज ये चेंज नहीं हो पा रहा है, जैसे इस पे कुछ टाइप करेंगे तब एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है? असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि हमारा क्या है कॉन्स्ट है, इनपुट वैल्यू क्या हमारी कॉन्स्ट है। बट ये कैसे होगा, सेट इनपुट वैल्यू की मदद से ये चेंज होगा। तो करते हैं सेट इनपुट वैल्यू, इसको कॉपी करते हैं। अब इंक्रीमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली लिखेंगे, इसको करेंगे कॉल, और इसके अंदर कुछ डाल लेते हैं 1 2 3। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने प्लस पे, तो ये देखो 123 हो गया, मतलब इसके अंदर कुछ भी डाल दिया, तो ये क्या कर दिया, ये चेंज कर दिया करंट जो हमारा था एलिमेंट, ये क्या करेगा उसको चेंज करेगा। पेज रिफ्रेश करते हैं, अभी 0 है, प्लस पे क्लिक किया मैंने 123 हो गया, जब हमने इसको सेट कर दिया यूज स्टेट का यूज़ करके। तो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो फंक्शन दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको भी पेस्ट करते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे ना, हम इनपुट वैल्यू करेंगे प्लस करेंगे 1। पेज को रिलोड करते हैं, प्लस करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़िया। अभी इसको माइनस करना होगा, तो क्या करेंगे हम, इनपुट वैल्यू -1, ठीक है। अभी माइनस करना होगा तो ये देखो माइनस हो रहा है, प्लस करना होगा तो प्लस हो रहा है, माइनस करना होगा तो माइनस हो रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या आता है ना इसमें, अगर हम इसको दो बार करेंगे, अब अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो भी हमारा सिंगल बार ही होगा, सिंगल ही हो रहा है। अब क्या करें भाई, ऐसे केस में हमें पास करना पड़ता है प्रीवियस पैरामीटर को, लाइक प्रीवियस उसकी क्या वैल्यू थी।
इस एरर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिबग करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना समझो, यूज़ स्टेट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। हमने एक बटन बनाया, उससे हम काउंटर बना दिए माइनस और प्लस के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते हम, कोई डाउट है तो बताओ। जुनैद, शगुन, कोई डाउट नहीं है ना? सो रही थी या फिर पढ़ रही थी क्लास में? पढ़ रही थी ना? पता चला क्या होता है यूज स्टेट? क्या होता है स्टेट को हैंडल करते हैं हम लोग इससे, लाइक यहाँ पे ये क्या होती है इनपुट वैल्यू, क्या है यहाँ पे करंट स्टेट है, और ये क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं स्टेट को, ठीक है। ये क्या हमारी करंट स्टेट है, इससे क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे किया हमने, चेंज कर दिया इससे, ये देखो फंक्शन कॉल किया सेट इनपुट वैल्यू, फिर हमने इनपुट वैल्यू की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इससे। तो हमने आज की क्लास में यूज़ स्टेट थोड़ा सा देखा, कल की क्लास में यूज़ इफेक्ट भी देख लेंगे। चलो क्लास ओवर।